हेलो फ्रेंड्स, मैं सी बनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर जो है जीएसटी में लेटेस्ट जजमेंट को लेकर है, और ये जो जजमेंट आया है डिमांड रिकवरी के अगेंस्ट में जो अटैचमेंट्स की गई है प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग, यहां पर काफी बड़ी रिलीफ दी गई है। ये ऑर्डर पास किया गया है एसएससी के फेवर में। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आपको पता लगेगा कि अगर डिमांड ऑर्डर पास हो चुके हैं तो उसमें क्या रेमेडीज अवेलेबल है। यहाँ पर जो है एसएससी ने रिट पिटीशन में रिक्वेस्ट फाइल की है ऑनरेबल कोर्ट के बिफोर की, यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टी जो है वो अटैच कर दी गई है। ये प्रॉपर्टीज के नंबर यहाँ पर लिखे गए हैं और इनको यहाँ पर रिलीज करने के लिए इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर यहाँ पर ये रिलीज कर दी जाए। जो रिट पिटीशन है उसमें डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट्स हुई है इमूवेबल प्रॉपर्टी, उनके रिगार्डिंग जो है यहाँ पर रिलीजिंग के ऑर्डर पास कर दिए जाए, मतलब डायरेक्शन प्रोवाइड की जाए और जो ऑर्डर पास हुआ था उसको जो है मॉडिफाई किया जाए। एन ऑर्डर डेटेड दिस वाज इश्यूड, एक ऑर्डर जो है टैक्स डिमांड का वो कंफर्म किया गया था डिपार्टमेंट के द्वारा। वो डिस्क्रिपेंसी जो थी वो 2A और 3B के बीच में थी। जीएसटी 3B एंड 2A के मिसमैच की वजह से जो है ये डिस्क्रिपेंसी थी और इसी के रिगार्डिंग जो है यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर्टी अटैचमेंट्स के प्रोविजन स्टार्ट कर दिए। इन्होंने कहा कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट में जो है इन्होंने अपील भी फाइल कर दी 24 अगस्त को, लेकिन इन्होंने जब अपील फाइल की तो अपील में जो है प्री डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट है 107 में इन्होंने वो भी जमा कर दी, लेकिन उससे पहले ही जो है अटैचमेंट का जो इफेक्ट है वो आ चुका था, मतलब 2 दिन पहले ही जो है इनके अटैचमेंट्स भी हो चुके थे। तो देखिए, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर डिमांड कंफर्म होने के बाद जो है वो रिकवरी के प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट हो चुके हैं 79। तो आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा जीएसटी पोर्टल ओपन करके कि अगर कोई आपकी डिमांड कंफर्म हो रखी है तो आप कोई उसमें जो भी रेमेडीज अवेलेबल है आपको टाइम लिमिट के अंदर अवेल करना है। अपील के केस में जो है 3 मंथ्स का टाइम होता है जिस दिन ऑर्डर पास हुआ है, अगर आप नहीं कर पाए हैं तो आप 1 मंथ का उसमें जो है कंडोनेशन के साथ भी उसको फाइल कर सकते हैं। इसी तरीके से रेक्टिफिकेशन में भी 3 मंथ्स का टाइम है और अगर वहां पर आप ये चीजें नहीं ले पा रहे तो आप रिट पिटीशन में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है इसके रिगार्डिंग मैंने काफी सारे वीडियोज अपलोड किए हुए हैं कि आपको अपील कैसे करनी है, रेक्टिफिकेशन कैसे फाइल करनी है, क्या क्या पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, वो सारी चीजें यहाँ पर जो है अवेलेबल है। आप वीडियो देखकर खुद से सीख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां से अपने अकॉर्डिंग जो है फॉर्मेट्स को डाउनलोड करें, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। क्या फॉर्मेट रहने वाला है, 16:4 का हो, 3B2A मिसमैच का हो, सप्लाई नॉन एग्जिस्टेंस का हो, बोगस का हो, क्या आपके ऊपर बोगस की एलिगेशन लगा दी गई है, काफी सारे वहां पर अवेलेबल है। फॉर्मेट्स नोटिस के रिप्लाईज भी है, रेक्टिफिकेशन के लिए वहां पर अवेलेबल है। फॉर्मेट्स को डाउनलोड करके अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब इस वाले में यहाँ पर जो है इन्होंने अपील फाइल कर दी, लेकिन अपील फाइल इन्होंने थोड़ा लेट की, उससे पहले यहाँ पर प्रॉपर्टी अटैचमेंट्स इफेक्ट हो गए थे, तो इसीलिए इन्होंने प्रेजेंट रिट पिटीशन फाइल की कि जो अटैचमेंट्स है उसको रिलीज कर दिया जाए। जो पेटिशनर की तरफ से लर्न काउंसिल है उन्होंने कहा कि जो रिकवरी के मेजर्स हैं वो 3 मंथ से पहले जो है इनिशिएट नहीं होने चाहिए। जब ऑर्डर पास हुआ है उसके 3 मंथ के अंदर ही अगर रिकवरी के प्रोसीडिंग्स हो जाएंगे तो अगर एसएससी कोई रेमेडी अवेलेबल करना चाहेगा तो कैसे अवेल करेगा। तो टैक्स पेयर अगर स्टेचुरी अपील कर रहे हैं तो जो ऑर्डर है उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अगर इन्होंने अपील फाइल कर दी, ठीक है, और वो भी प्रेस्क्राइब 3 मंथ के अंदर ही फाइल की है, तो जो ऑर्डर का जो ये ऑर्डर अटैचमेंट का ऑर्डर डिपार्टमेंट की तरफ से पास किया गया है 3 मंथ के अंदर ही, वो सस्टेनेबल नहीं है, वो तो यहाँ पर रोंग है। इसीलिए यहाँ पर इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि इसको क्वैश किया जाए। ठीक है, अब इसके बाद एक पॉइंट और भी आता है कि जब आपने ये फाइलिंग कर दी, अपील फाइल कर दी, तो उस केस में जो है स्टे हो जाता है, लेकिन आपको जो है अपील फाइल करने की जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने जुडिशियल ऑफिसर को भी देनी होती है। तो हो सकता है यहाँ पर ये हुआ कि इन्होंने जो है इनकी तो अटैचमेंट से पहले हो गई है, लेकिन काफी केस में ऐसा भी हो जाता है कि ऑफिसर को नहीं पता रहता है उनके पास जो फाइल्स है वो मूव ऑन नहीं होती है। तो आप जब भी अपील फाइल करें, रेक्टिफिकेशन फाइल करें, तो उसकी जो कॉपीज है वो अपने ओरिजिनल जो भी आपकी अथॉरिटी है जहां से ऑर्डर निकला है उसको सबमिट जरूर करा दें। ठीक है, जो डिपार्टमेंट की तरफ से लर्न काउंसिल है उन्होंने नोटिस एक्सेप्ट किया, उन्होंने सब चीजें जो है डिपार्टमेंट की तरफ से जो जो भी एक्शन लिए गए उनको कंफर्म किया। पेटिशनर ने ये प्लेस किया रिकॉर्ड्स में, ये ऑर्डर था वो 30 मई का था, 30 मई 2023। ठीक है, प्रूफ ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील, अपील फाइलिंग के प्रूफ भी उन्होंने यहाँ पर सबमिट कर दिए, डॉक्यूमेंट नंबर 16-18 टाइप सेट पेपर से, 10% प्री डिपॉजिट भी इन्होंने किया हुआ है। जब प्री डिपॉजिट होता है उसके बाद जो है 107 में जो रिकवरी की प्रोसीडिंग्स है बैलेंस अमाउंट पे वो ये मान ली जाती है कि वो स्टे हो गई है। तो देखिए, आप भी जो है अपील फाइल करेंगे तो अपील के रिजल्ट आने में भी 1 साल तक का टाइम लग जाता है, तब तक जो आपकी प्रोसीडिंग्स है रिकवरी की वो स्टे रहेगी। तो बेटर है कि आप ये एक्टिविटी कर लें, अदरवाइज बाद में चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इन दिस केस विदाउट वेटिंग फॉर द स्टेचुरी पीरियड ऑफ 3 मंथ्स
एंड अटैचमेंट वॉज इफेक्टेड ऑफ द पेटिशन रिमूवल प्रॉपर्टी सच अटैचमेंट कॉन्ट्रेरी टू द लॉ. तो ये कॉन्ट्रेरी स्टेचरी प्रोविजन के और कैन नॉट बी सस्टेन. इसीलिए ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ पर जजमेंट पास किया है. और जो भी अदर एसएससी है जिन्होंने अपील फाइल की हुई है अगर उनकी रिकवरी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो गई है तो वो इस वाले जजमेंट को यूज करके जो है अपने ऑर्डर को नल एंड वॉइड करा सकते हैं. इसके बाद यहाँ पर जो है फैक्ट एंड सर्कमस्टांसिस को अलाउ कंफर्म करते हुए यहाँ पर ये जो है रिट पिटीशन अलाउ की गई और डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी गई कि वो जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट्स है उनको रिलीज करें. ठीक है. फर्दर सेकेंड रेस्पोंडेंट उनको डायरेक्शन दी गई कि जो भी एंट्री अटैचमेंट से रिगार्डिंग जो इनकमेंस सर्टिफिकेट क्रिएट किया गया है उसको भी वहां पर जो है करेक्ट करें. ये एक्शन जो है 1 वीक के अंदर कंप्लीट होना चाहिए जिस दिन ये ऑर्डर पास हुआ है. तो ये काफी रिलीफ प्रोवाइड करने वाला जजमेंट है. डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसी एक्टिविटी अगर की जा रही है तो वो गलत है. आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें किसी के रिगार्डिंग भी बैंक अटैचमेंट हो या प्रॉपर्टी अटैचमेंट्स हो. ऐसे काफी सारे जजमेंट्स आए हुए हैं जहां पर एसएससी के फेवर में डिसीजन आए हैं लेकिन आपको टाइम लिमिट के अंदर रेमेडी अवेल करनी है. इस टाइप के जो वीडियो यहां पर अपलोडेड है आप वीडियो जरूर देखिएगा. आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा. ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू.